जनाब आज हम आए हैं जलंधर पंजाब और यहाँ पर हमें मिले हैं जेठाले। जैसा कि गाइस आज हम लोग के एलपीयू कैंपस में अमन भैया आ रहे हैं और हम लोग शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम में आ रहे हैं अमन भैया, और हम लोग वहां जाएंगे और देखते हैं कैसा आज का सेमिनार रहता है जो कि इंटरप्रेन्योरशिप पे आज सेमिनार होने वाला है। गाइस जो कि अमन भैया जो मैं बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ, तो आज चलते हैं और देखते हैं कैसा सेमिनार होगा। जैसे कि आज यहाँ पे सेमिनार होने वाला है, अमन दत्रवाल सर आने वाले हैं और ये मेरा फ्रेंड है, मीट माय फ्रेंड फैजान अंसारी। और हम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, छूटिए को। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, दत्रवाल सर आने वाले हैं और हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। अभी भीड़ दिखाओ, अभी भी बाहर बहुत लोग हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और बाहर भी काफ़ी लोग हैं जिन्हें अंदर आने को नहीं मिला अभी तक। जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बोला है, हम लोग बहुत मुश्किल से पहुंचे भाई, कितना मुश्किल हुआ भाई। मेन गेट एलपीयू में यहाँ मेन गेट पे बंद कर दिए थे, तो हम लोग बैक गेट से आए भाई। बहुत बड़े फैन है, जो होगा उसे पता होगा क्या होता है, कितनी भीड़ है। बहुत स्टूडेंट है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है। ऊपर दिखाओ, ऊपर जैसे देख सकते हो पूरा हाउसफुल है, पूरा फुल हो चुका है और ऊपर में भी सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। अब थोड़े सर आते हैं तो फिर मिलते हैं। Ladies and gentlemen of the house, I will shout, Amen, you will shout. Pretty much good to go and ready for Mr. Aman Dattarwal today, Shanti Dev Mittal Auditorium, for the career motivation and entrepreneurial mindset. Now the professional university of energy school. Ladies and gentlemen, boys and girls of Lovely Professional University, I request you all to stand again. A thunderous round of applause for Mr. Aman Dattarwal. अब जब शीशे में बात करनी स्टार्ट करी बड़ा क्रीपी लगता है, उससे बात करने कैसे अजीब सा लगता है। फिर एक और उपाय ये ना कि जैसे हम सब बता देते हैं कि यार इसमें इस मूवी के अंदर बड़ी खराब एक्टिंग करी, ये एक्ट्रेस ने अच्छा काम नहीं किया, और जो है हमें एक्टिंग बिल्कुल ना आती हो, पर हम अगले को जज कर लेते क्योंकि हमने बहुत सारी मूवी देखी है। इसी प्रकार से जब आप अपने खुद का वीडियो शूट करके
और उसे खुद देखते हो तो आपको कमियां दिखने लग जाती है क्या, और जब आप बार बार देखते हो तो फिर आप इम्प्रूव कर सकते हो उसके अंदर। तो उस चीज के साथ मैंने इस चीज के ऊपर वीडियो बना सकते हैं अपने से, कॉमेडी वगैरह ये सब तो होगा नहीं, तो जो उस टाइम आता था बारहवीं का पेपर देखा है उसी के ऊपर बनाना स्टार्ट किया। और बैक इन 2015 यूट्यूब को देखा जाता था जैसे 2019-20 में टिकटॉक को देखा जाता है। इसका एक उदाहरण मैं इस प्रकार से दूंगा, कॉलेज का फर्स्ट ईयर है, मेरे 5 व्यू 10 व्यू 15 व्यू। एक इंट्रोवर्ट के लिए सबसे एम्बैरेसिंग चीज पता है क्या होती है, उसके पेरेंट्स को पता चल जाए कि उसने कहीं पे वीडियो बनाया, पांचों मेरे ही होते थे, रिफ्रेश करके देख रहा हूँ तो शायद पता नहीं क्या तुक्का लगा, मम्मी ने मेरा ही नाम सर्च कर दी थी क्या। उन्होंने कहा चलो ठीक है बेटा बनाया तुम। मैं इतना क्लास का वो भोला बच्चा नहीं होता जो बचपन से ज्यादा भोला जितना होना नहीं चाहिए, तो मेरे पापा को बड़ी टेंशन होती थी यार इसका जीवन में बड़े होकर नुकसान कर देंगे लोग, इसको थोड़ा सख्त बनाना पड़ेगा। पापा क्या करते थे, जब मैं छोटा था पड़ोसियों के बच्चे ले लेकर आते थे घर के अंदर और बोलते थे इसके इसको लड़ाई कैसे, और मैं कहता था पापा इसको मारूंगा तो इसको लग जाएगी, इतने में अगला मार देता था। पापा ने कहा एक बार की सही की बात है, मैंने कहा अगले को लग जाएगी, वो छोटा सा बैट था उसने बैट की देके मारी मेरे। फिर पापा ने कहा इसको स्पोर्ट्स में डालते हैं, स्पोर्ट्स में हारेगा जीतेगा एग्रेशन आएगा, क्रिकेट फुटबॉल टेनिस में से टेनिस पिक किया क्योंकि उसमें कम लोग रिक्वायर्ड हैं खेलने के लिए। तो लगभग 7-1 साल गला, हमारे घर के अंदर सिंपल है, कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है या तो उसको स्पोर्ट्स में भेज देंगे या फिर उसको बेल्ट की जॉब, आर्मी में जाओ पुलिस में जाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे एक जीजा जी थे जो कि इंडियन टीम में आए, तो बस उसके बाद सारे स्पोर्ट्स के अंदर और उसके बाद आर्मी और उसमें सब है तो सब उसी डायरेक्शन में। तो 7 साल जो ना पापा का बस एक शर्त होता था, खेलो तब तक बस मैथ्स और इंग्लिश में अच्छे नंबर आने चाहिए। पापा ने कहीं किसी सेमिनार में सुन लिया था कि अगर आपकी मैथ्स और इंग्लिश ठीक है तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, चाहे वो कैट हो चाहे वो सरकारी एग्जाम है, सब में मैथ्स और इंग्लिश ही पूछते हैं। तो जैसे ही टेंथ में पहुंचे पापा ने कहा कि बेटा रॉजर फेडरर आप बनोगे नहीं, लैंडर पेस मुझे बनाना नहीं। मतलब आप 7 साल से खेल रहे हो और लैंडर पेस तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक इंडिया के सबसे फाइनेस्ट प्लेयर सबसे इतने सालों से खेल रहे हैं, और पापा के थोड़े विजन लंबे थे बड़े थे। पापा ने कहा बेटा स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो या पढ़ाई करना चाहते हो इंजीनियरिंग। मैंने कहा पापा स्पोर्ट्स खेलना है। पापा ने कहा ठीक है बेटा इंजीनियरिंग कर लो। फिर 11th के अंदर थोड़ा बहुत रगड़ा खाया, वही बसों के चक्कर काटो, ट्यूशन व्यूशन लेने के लिए एक बड़ी कोचिंग लो, स्कूल में जाओ, लॉन टेनिस सारा छुड़वा दिया था। फिर IIT के अंदर एडमिशन हुआ नहीं, अब जब IIT के अंदर एडमिशन नहीं हुआ तो भाई मैं तो रोया बैठे, यूजुअली कमी रोते हैं लड़के वगैरह वैसे ही छुपा के रहते हैं, पर उस दिन मैं घर में रो दिया। फिर मम्मी ने देखा, मम्मी परेशान हो गई, मम्मी ने कहा गांव वगैरह घूम के आ जा, 7-8 दिन और ड्रॉप ईयर ले लियो। फिर आके पता चला कि कुछ और कॉलेजेस भी होते हैं, NITs वगैरह, इनके बारे में नहीं पता, बस बिट्स पिलानी पता था, पर बिट्स पिलानी पे घर वालों ने कह दिया था इतने पैसे नहीं है हमारे पास, ठीक है तो तुम्हें सरकारी ही निकालना है अगर कुछ निकालना है। और पापा बड़े स्ट्रिक्ट, पापा कहते बेटा हेल्प यू। पापा ने बचपन से कह रखा था कि बेटा कॉलेज तक पढ़ाऊंगा उसके बाद बाहर निकाल दूंगा कहीं, मतलब बचपन से ऐसा पाउट डाल रहा था, ठीक है। फिर कॉलेज के अंदर जब Day 1 पे आए तो ये था कि भाई बोलना सीखना है, थोड़ा पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है, वरना ऐसे खुद से रहेगा। मैं अपने मम्मी पापा की सारी बात मानता था, बताओ क्यों, बचपन में नहीं मानता था, बहुत पिटाई होती पापा का कॉफी बहुत था और मम्मियां तो ऐसे कर लेते। तो कॉलेज का Day 1 और यही आदत से मजबूर मैं फर्स्ट बेंच पे जाके बैठ गया। सीनियर्स आए बड़े कूल लगते हैं Day 1 पे क्योंकि उनको ड्रेसिंग सेंस आता है, हमें नहीं आता। वो आए और बोले अच्छा, वो फ्रेशर्स पार्टी के लिए आते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा बच जाता है कमीशन। तो बोले भाई क्लास का CR कौन बनेगा। मैंने कहा, मैंने एकदम से हाथ उठा दिया, पीछे मुड़ के देखा क्लास में किसी ने नहीं उठा दिया। मैं सोच के आया था कि कुछ भी होगा हाथ उठा दूंगा, सारी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, तो एकदम से उठा दिया, किसी ने नहीं उठा रखा। उन्होंने कहा ठीक है तू बन जा। वो क्लास से जब बाहर गए मैंने पूछा CR क्या होता है, उन्होंने कहा क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मैंने कहा मॉनिटर बना लिया। फिर दूसरा सीनियर आया, उसने भी कहा अच्छा भाई क्लास का CR कौन, अभी इतना दम नहीं कि बोल दे मैं बन चुका हूँ ऑलरेडी।
उन्होंने इतने में दो लोगों ने हाथ उठा लिया, मैंने और एक और वो रैंक ओपनर जो सबसे ज्यादा नंबर आ रखे थे उसके रैंक ओपनर उठने हर कॉलेज का दिया ये रैंक ओपनर है स्कूल का। उन्होंने कहा वो भाई स्पीच, मैंने कहा यही तो नहीं आता हूँ। मैंने कहा कौन कर पहले तो दे दे, मैं फिर उसी में प्लस मैंने वो आया इंग्लिश में स्टार्ट हो गया, भाई मैं आपको बहुत पढ़ाऊंगा, आपके कोई डाउट आएगा आप मेरे आके पूछ सकते हो, मैं आपको नोट्स दूंगा, मैं आपके टीचर से काम कराऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। इतने में पीछे एक बॉस की मैम थी, जितना नाम कूल है उतनी मैम बड़ी कूल थी। वो बॉस की मैम हैट पहन के बैठी थी, कोई साइंस कॉलेज में हैट पहन के बैठा पर पीछे एक टेबल है उधर मस्त बैठ के ऐसे हैट हो गया तीन रंग। मैं कहा मैं, फिर उन्होंने कहा कि तेरे को ये सब नहीं बोलना है, तू बोल तू कराएगा पंख, तो दिलवाएगा इनको बॉल फुटबॉल वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है मैं गया, मैंने ये बोल दिया क्या मेजोरिटी से जीता मैं, इसने वोट नहीं किया दूसरे को, बन गए। फिर उन्होंने कहा भाई कॉपी रोटेट कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। मैंने कॉपी रोटेट कर दी, सबने नंबर वंबर डाल दिए। इस कॉपी से बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मैं आपको जब फाइनल ईयर में आया तब एक आपको बताऊंगा बाद में। तो जब आप हॉस्टल मैंने ले लिया था, मेरा घर पास में था, तो पापा मम्मी ने भी कहा बेटा हॉस्टल में रहो थोड़ा खुलोगे, मतलब माँ बाप कह रहे हैं हॉस्टल में रहो बेटा थोड़ा खुलोगे, तुम घर में मत रहना। मम्मी ने कमरा वमरा देवन पे सेट कर दिया, हमें सिंगल रूम सिंगल कमरे में एक आदमी रहता था। मैंने गेट खोला और ऐसे देख रहा हूँ ताजमहल देख रहा हूँ, या चार साल यहाँ रहूंगा आजाद परिंदे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। फिर उधर आपके तीन चार दोस्त बन जाते हैं जिनसे आपकी बातचीत ज्यादा होती है, जिनके साथ आप कैंटीन में घूमते हो, इधर उधर भागते हो, हॉस्टल टापते हो, कॉलेज टापते हो, ये सारे भूल जाता है। तुम सीटी मारते हो, मैं भूल जाता हूँ, मैं क्या बोल रहा था, मैं हॉस्टल टापते हैं। इन्हीं चार दोस्तों में से एक का नाम था अग्रिम, अरे बड़ा किस्सू डिप्लोमेसी क्या होती है वो मैं इससे सीखा, मुझे नहीं पता था पहले डिप्लोमेसी क्या होती है, जितना ये डिप्लोमेट था वो। तो ये व्यक्ति फोर्थ ईयर में आके मेरे को बोला यार अमन तू डे वन पे खेल गया। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं, इसके साथ मैं हमेशा रहा हूं दिन रात, इसका बगल में रूम है, हमने कितने घंटों बात करी होगी एग्जाम टाइम में, कितने घंटे साथ रहे होंगे। जब फाइनल ईयर आ गए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आके बोल रहे हैं यार तू डे वन पे खेल गया। मैंने कहा क्या खेला, यार तेरे को डे वन पे सबका नंबर मिल गया था। मैंने कहा ये व्यक्ति अभी तक इस बात को दिमाग में रख के बैठा है, मेरा इंटरेस्ट भी। अच्छा अच्छा आज बोला तूने चार साल बाद। तो कॉलेज कुछ इस प्रकार से, और फर्स्ट ईयर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। कोविड ने अगर आपका फर्स्ट ईयर खराब करा है तो दिक्कत है, तो सेकंड ईयर आपका सबसे इंटरेस्टिंग होगा जो भी आपका एक है हेल्थ का, तो आगे के जीरो में हो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये काम की जिंदगी मुझे रिसेंटली एक दोस्त मिला मुझे बहुत अच्छा, और वो व्यक्ति ने अपने अर्ली ट्वेंटीज के अंदर बहुत बहुत बढ़िया तरीके से फोड़ रखा, बहुत बढ़िया तरीके से फोड़ रखा। उस व्यक्ति ने कहा जैसे मेरे ट्वेंटीज एंड हुए मेरे को एक चीज पता चली कि बहुत हेल्दी बहुत फिट बचपन से खेलता आया और उसने फिर धंधे में भी बहुत अच्छा लगाया, मतलब एकदम खींच के रखा, मतलब आप यूं बोल सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट। उस व्यक्ति ने कहा कि यार मेरे एक बीमारी आ गई एंड ऑफ द ट्वेंटीज के अंदर, वो व्यक्ति जब भी खाना खाता है उससे पहले उसको एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, आप समझ पा रहे हो। उसने कहा मेरी लाइफ, मतलब आपको वो नहीं पता कब आपके साथ कौन सी चीज हो जाए, ठीक है, और फिर यूं ही रहता है, काश मैंने उस टाइम वो कर लिया होता। वो कहता है अब मैं अपना रोज एक घंटा क्रिकेट खेलता हूं, पहले भी मैं खेलता था, क्रिकेट और खेलता हूं, जानवर वानवर और पाल लिए, घोड़े घोड़े पाल लिए, गाय भैंस पाल लिए, कुत्ते पाल लिए, जा इनके साथ घूमता रहता हूँ, रोज काम करता हूँ। कह रहा है अब मैं ज्यादा जी रहा हूँ, बीच में एक टाइम आ गया था जैसे ही पता चला मैं डिप्रेशन में चला गया, यार मतलब ये कैसे हो गया मेरे साथ, मतलब उसके बाद दो तीन बार हो गया कि कोमा के पास जाके आया। मतलब जब आप ऐसे लोगों को देखते हो तब आपको लगता है कि यार अभी तो मतलब क्या ही हुआ है, ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पर एक चीज का और ध्यान रखना, बेसिक्स मेरे को लगता है बेसिक्स आप में से ऑलरेडी सबको पता ही होंगे,
हमने इतने सारे नेहा के एग्जाम्पल लिए, राहुल के एग्जाम्पल लिए, पर जब तक आपको कंफर्म ना हो कि यार मेरा भविष्य सिक्योर्ड है, मेरी जॉब लग जाएगी या सरकारी निकल जाएगी या मेरा ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है, कुछ भी एक्स वाई जी, जब तक आपको सिक्योर्ड है तब तक आप ये काम कर सकते हो। अगर आपको सिक्योर्ड नहीं है तो इसको प्रायोरिटी मत बना लेना। रिलेशनशिप अपने आप में फुल टाइम जॉब है। अरे आया ना, हाँ एक्सपर्ट्स की सुनो, ठीक है, ये अपने आप में फुल टाइम जॉब है और आप साइड में हो जाओगे अपने मेन रास्ते से। और इससे भी बड़ा घटना पता है क्या, क्योंकि मेरे को ऐसे बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम में, और ये आप हम जैसे ही, जैसे मैं कॉलेज में था वैसे ही लोग होते हैं कि भाई इस व्यक्ति के साथ मैं 6 महीने से था, 1 साल से था, 2 साल से था। इनसिक्योरिटी जिसकी हद नहीं, इनसिक्योरिटी किस बात की, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एक बच्चे को पिक करना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। अरे मैं कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं ले रहा था ना, हाँ ठीक है, तुम तो स्मार्ट हो इस एग्जाम्पल के लिए। चलो स्मार्ट है तो इसी को ले आते ना, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो मान लो ये है एक साधारण इंडियन व्यक्ति, इमेजिन करो एक बार के लिए कि एक साधारण इमेजिन नॉर्मल व्यक्ति है, आप कॉलेज के अंदर हो, आपका भी भविष्य इतना सिक्योर्ड नहीं है, आपको पता नहीं है, आपके पेरेंट्स इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, खुद दिख नहीं रही कि 100% पक्का अच्छी जगह जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, होगा क्या? मान लो इन्होंने नेहा सेट कर भी ली, तो 4 महीने बाद 5 महीने बाद किसी दिन दीदी ऑनलाइन दिखी तो नहीं लगेगा यार किसी टाइम मैं भी ऑनलाइन हुआ करता था, दीदी किसी और के साथ ऑनलाइन, इनसिक्योरिटी आ जाएगी क्योंकि इन्हें लगेगा मेरे में ऐसा क्या था जो बाकी में नहीं है, मेरे में ऐसा क्या, कुछ खुद दम पे किया नहीं ना। जैसे मेरे पापा एक चीज कहा करते थे कि मैं बड़े बड़े स्टेप होते होता, मैं बताई कि मैं 10-11 भाई हैं कुछ, वो उन सबको सरकारी में फिट कर दिया, ठीक है, तो पापा राजस्थान से पढ़ के लाते थे 3 दिन के झुंड में भाइयों को, दिल्ली के अंदर एक कमरे में बंद कर देते, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, अंटिल यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट ना हो कोई कोचिंग नहीं लेते, कमरे के अंदर बैठती किताब दे दी और सुबह बोलते थे यहाँ बैठ के पढ़ते रहो, और बोलते अगर किसी पड़ोसी ने ये बता दिया कि तुमने किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखी है तो आंख क्या फोड़ दूंगा, ठीक है। खैर उन सबने उस डर के अंदर सबने निकाल लिए अपने जो भी उनके पॉइंट बोल गया था इससे, तो उन्हें वो पापा ये कहते थे अभी किसी की तरफ देखना नहीं है, जिस दिन तुम्हारी जॉब लगेगी फिर इस घर से लेके दौलत कुआं तक लाइन लगाऊंगा मैं, ये भी पापा के वर्ड्स होते थे, समझ पा रहे हो? अरे रियलिटी तो यही है, आए ना पॉलिश बातें थोड़ा करना है। तो जिस दिन आपने कुछ हासिल कर लिया, वो बड़ा एक है कि फेमस ये लोग आपकी इज्जत तब तक करेंगे जब तक उन्हें आपसे मतलब है, जब तक आप उनके काम के हो। अरे हाँ ना, लोग आपकी इज्जत तब तक करेंगे आपसे आप उनके काम के हो सकते हो। यूटिलिटी जिसे बोलते हैं, तो जैसे ही आपकी जॉब लग जाती है अब आप यूटिलिटी हो, चाहे लड़की है लड़का है, तब आप यूटिलिटी हो, अब आप एक हीरा हो। उससे पहले तो आप जैसे बहुत कह रहे थे इस कंट्री में 150 करोड़ है, पृथ्वी पे 700 करोड़ है, तो सबसे पहले अपने आप को एक पोजीशन स्ट्रांग कर लो, उसके बाद आपका इनसिक्योरिटी नहीं रहेगा। और एक चीज और, थैंक यू, एक संदीप मेश्री शो पे एक तालियां, बिजनेस है ना जीरो सम गेम होता है, अंटिल अनलेस कॉम्पिटिटिव की बात ना हो रही हो, जीरो सम गेम का मतलब समझ आता है कि मतलब मान लो यहाँ पे आपके एक प्रोफेसर बैठे हुए हैं और ये प्रोफेसर कल को अपना एक काम स्टार्ट कर देते हैं और ये इन्होंने 1000 करोड़ का धंधा बिल्ड कर लिया, वो 1000 करोड़ के धंधे से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा, इनफैक्ट फायदा हो रहा होगा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, आया ना। हो सकता है इनके जो लोग यहाँ काम करते हैं वो आपका प्रोडक्ट खरीदने आ रहे हैं, इनफैक्ट आपको फायदा हो रहा होगा। तो बिजनेस जीरो सम गेम होता है, कोई भी कुछ अच्छा कर रहा हो उसकी तारीफ करने में कभी भी बुरा है, कंजूसी नहीं करनी है, इसके अंदर ये चीज ये अपन कर सकते हैं क्या, क्योंकि आप ऐसे ही कम्पीट करने निकल गए तो मैं इससे भी जलस रहूंगा, मैं इससे भी कंपेयर हरा ही नहीं सकते। हर शेयर का एक सवा शेयर होता है, हर शेयर का एक सवा शेयर होता है,
अब उससे पहले क्या बात कर रहे थे हम, भूल जाता हूँ बीच में। हाँ, संदीप महेश्वरी के शो में एक व्यक्ति आए अभिनय मैच करके, आपने देखा होगा उनका, वो बड़े अच्छे मित्र हैं और मैं उनसे दो तीन साल बीच बीच में मिलते रहते हैं, बात करते रहे। उन्होंने अपने सेशन में बड़ी प्यारी चीज बोले, पहली बार जब दिल टूटता है ना तो सिस्टम के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है, बड़ा दुख होता है जब पहली बार आप बीमार हो गए ना, बड़ा तापमान वापन बढ़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, अरे यार बहुत बुरा हुआ मेरे साथ यार, छोड़ के चला गया यार, वो छोड़ के चली गई, बहुत बुरा लगेगा। पर अब फर्स्ट टाइम में एंटीबॉडीज बन गई हैं, अब दूसरी बार कोई आता है और कब चला जाएगा, तीसरी बार कोई आएगा कब चला जाएगा, कोई उतना दर्द नहीं हो रहा होगा। क्या चीज समझ में आ रही है? तो जब कॉलेज में वो पहला एंटीबॉडी वाला दर्द होगा, पर प्रश्न ये क्या आपने अपना पहले करियर सिक्योर कर लिया है, यस और नो? वो बहुत जरूरी है, वरना आपके साथ वो जो आज तक हजारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ हुआ है, ठीक है, आप रहोगे, आप अपनी कहानी बताओगे और सुनने वाला कोई नहीं होगा, आपको लगेगा दुनिया सुन रही है, कोई नहीं सुन रही, वो आगे बढ़ रही है आपकी चीज। समझ नहीं आया कैसे रात तब स्टार्ट करने लगे सब मिल के विचार, पर आते नहीं किसी को राइम चार, फिर देखकर अपना हाल याद किए पिछले चार साल, सामने रस्ता था हाथों में मस्ता था जेब थी खाली और माल कहां, समझ नहीं किसी को राइम चार, फिर देखकर अपना हाल याद किए पिछले चार साल, सामने रस्ता था हाथ में बस्ता था जेब थी खाली और माल कहां सस्ता था, फिजिक्स में फंसता था, फिजिक्स में फंसता था, मैथ्स में फंसता था, ईडी ना आती और वेल्डिंग भी डसता था, चलता था फर्दर, चलता था फलता था दोस्तों के साथ, सपना था ऊंचा की करूंगा खास, खास है प्यास है सीनियर अपने साथ है, ऊंची नौकरी के राज मेरे पास है, गाया चिल्लाया जोर से न जाया पर किसी सोसाइटी में आ ना पाया, आए आए पहला साल मेरा भाई, पढ़ना था सीएस ये पीसीएम लाइन, लैब सारी नकली थी ऑटो में टकली थी, कैसी रिसर्च एक रीडिंग में असली थी, फ्लुइड्स लैब ड्राई, मेस में दाल फ्राई, अटेंडेंस देखकर प्रोफेसर चिल्लाए, सुने किसे और कहानी मैंने लोगों की जुबानी की, जिंदगी कुछ ऐसे बने दुनिया दीवानी तेरी यार, दुनिया में पैसा कर दे सबको खराब, सच्ची यारी की ना कीमत ना कोई उसका हिसाब, एक से एक तक कभी ने मेरे दोस्त बात जानी, उस दिन जब नॉक नॉक दरवाजे पे नॉक किया, सालों ने पीछे मुझे मरने से रोक दिया, मैंने बोला इन्हें अंडी अंडी, उन्हें दरवाजा खोला लेके माँ बहन का नाम बोले, चौड़ ना दिखा यहाँ पिसे हुए हम, ये कमरे में आके मेरे रोज बैठ जाते, कभी लैपटॉप या फोन, कभी लैपटॉप या फोन नहीं तो खाना ही खिला दे, आगे बता के मुझे सपना दिखा के बोले, कॉलेज में घुमाए अपनी बाइक पे बैठा के, कोई डबलिंग बिजली की सैर कराए, तो कोई हिम्मत करके दंगी को हॉस्टल में ले आए, अपने मरने से टूटा जब से मेस में है खाया, जो चबाया कोई भूल ना मरी, अरे भाई लोगों के बीच किस बात की कमी, और मजा आ गया जलंधर के अंदर आप सभी बच्चों के साथ में।
आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले 4-5 सालों के अंदर। जैसा कि गाइस देख सकते हैं, हम लोग का सेमिनार जो कि कंप्लीट हो गया है, जो कि 2 घंटे का सेमिनार था। आज हम लोग पूरे थक चुके हैं और मेरा ये दोस्त ये भी पूरा थक चुका है। भाई सेमिनार कैसा लगा फैजान भाई? एक नंबर लगा भाई, रश था यार, इतना रश बहुत था। हम लोग तो ट्राई किए फोटो खिंचाने का, बट हम लोग से भैया अमन भैया से मिल भी नहीं पाए। ट्राई तो बहुत किया बट भैया से नहीं मिल पाए, रश इतना ज्यादा है ना। चलो गाइस थैंक यू फॉर, जैसे कि यहाँ ही पे ऑडिटोरियम में बहुत मजा आया सेमिनार में, और उससे भी ज्यादा मजा आएगा। नीचे है सब्सक्राइब बटन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसा कि भाई ने बोला है, प्लीज भाई लोग सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।